नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट आया था दिन में रेडमी का। ये नोट 10 मोबाइल है, तो काफ़ी सारे नोट 10 में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पोको एक्स 3 प्रो का प्रॉपर रिपेयरिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो डाला था, तो सेम तरीके से नोट 10 भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी डेड हो रहे हैं, किसी में कैमरा की दिक्कत आती है। तो सारी दिक्कतें लगभग CPU से आती हैं, बहुत सारे भाइयों को पता होगा। तो आज भी ये डेड में हमारे पास सेट आया था नोट 10। तो जब मैंने इसको चेक किया तो देखा तो इसमें शॉर्टिंग थी, इसमें CPU से रिलेटेड दिक्कत नहीं थी, इसमें शॉर्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि ये अलग टॉपिक है, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो एक बार मैं आप लोगों को भी चेक करवा दूँ, आज हम इसको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव रिपेयर करेंगे। मैंने काम कुछ भी नहीं किया इस सेट के ऊपर, आप ये देखिए, एक भी सील्ड मैंने अभी तक इसकी रिमूव नहीं करी है और कुछ भी चेक नहीं किया है, कुछ भी छेड़ा नहीं है अभी तक। तो सारा रिपेयर आप लोगों के सामने ही करूँगा कि किस तरीके से कोई फ़ोन शॉर्ट होता है तो किस तरीके से उसको प्रॉपरली रिपेयर करें। इस एक वीडियो में आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और शॉर्टिंग चाहे किसी भी फ़ोन की हो, वो सब लगभग सेम ही रहता है। तो एक बार DC मशीन में आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि कितना एम्पियर ये ले रहा है। फोटो एम्पियर ले रहा है। जैसे ही हम इसको DC मशीन में कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये ऑटो एम्पियर ले रहा है 0.006। और इतने एम्पियर में अभी बोर्ड में कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, कुछ भी हीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की शॉर्टिंग में क्या करें, अगर हम इसके एम्पियर को भी 5 एम्पियर कर लेते हैं तब भी ये 0.006 मिली एम्पियर ही कंज्यूम कर रहा है, लेकिन बोर्ड में अभी भी कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके कैमरे हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, कैमरे रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि ये मोबाइल पे हीट भी पड़ेगी तो कैमरे कई बार डैमेज हो जाते हैं। अभी एक बार स्क्रीन पे चलते हैं जी। तो जिन लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी लाइन का कम नॉलेज है उनके लिए तो देखो बेसिक वीडियो अगर आप लोग कमेंट में डालेंगे तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं सीधी बात करूँगा कि कैसे जब कोई भी मोबाइल शॉर्ट होता है। तो ये मल्टीमीटर भी दिखाना है इसमें, तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, जब हम बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं तो जो VBAT की लाइन है वहाँ पे हमारी रीडिंग प्रॉपर है। सबसे पहले कूल टेस्टिंग हम कर रहे हैं और एक पॉइंट जो हमारा ये ग्राउंड है ये बिल्कुल ओके है, और हमारी BTEMP और BSI की दोनों ही लाइनें ओके हैं। तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। अब शॉर्टिंग का कैसे पता लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते, अब ये सील्ड हमारी आसानी से उतर जाएगी। यहाँ पे हम VPH चेक करेंगे, ये देखिए मैंने VPH चेक किया था, इसमें VPH फुल शॉर्ट है। ये देखिए VPH की कॉइल पे जब हम रखते हैं एक प्रोप को तो यहाँ पे 0 रीडिंग आ रही है, यानी VPH हमारा फुल शॉर्ट है, VPH हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो चलिए सबसे पहले एक बार यहाँ से पावर IC जो इसमें लगी है वहां से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं सरफेस को। अगर कुछ भी हीट दोस्तों नहीं हो रहा हो और बहुत ही कम एम्पियर कंज्यूम हो रहा हो, तो जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है जब कुछ भी हीट नहीं हो रहा हो तो कम से कम हमें सबसे पहले हमारी जो भी चार्जिंग IC होती है उस IC को हमें निकाल लेना चाहिए। तो ये जो कॉइल के ऊपर हमने कोल्ड टेस्टिंग की थी जिसमें फुल शॉर्ट हमें दिखाई दे रहा है, VPH शॉर्ट है, जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, सिर्फ 0 हमारी वैल्यू आ रही है ग्राउंड के साथ, यानी वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो चार्जिंग IC है ये MediaTek का बोर्ड है, तो जो चार्जिंग IC है इसमें MT6360P, हम इस चार्जिंग IC को निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस चार्जिंग IC को निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं
कि चार्जिंग आईसी हमारी शॉर्ट है या फिर कुछ और शॉर्ट है। पावर आईसी एक बार हम निकाल लेते हैं इसकी, जो चार्जिंग आईसी है, और इसके साथ साथ मैं वीपीएच कॉइल को भी निकालने वाला हूँ। ये हमारी 345 का टेम्परेचर मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ किसी बोर्ड के ऊपर, तो वही टेम्परेचर अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले ये MTK वाला बोर्ड है, ये Note 10S है, तो Note 10S में पहले कभी काम नहीं किया मैंने। मुझे लगा था कि क्वालकॉम वाला ही बोर्ड होगा, चलो कोई नहीं, बोर्ड सारे बराबर ही हैं हमारे लिए, सर्किट तो सब में सेम ही लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये चार्जिंग आई से एक बार निकाल लेते हैं। ये हिलना शुरू हो गई है, तो अभी हम इसको आसानी से उठा लेते हैं और साथ के साथ वीपीएच कॉइल को भी निकाल ही लेते हैं। अभी मीटर से चेक करते हैं कि क्या रहता है हमारा, और ये देखिए दोस्तों, अब एक सिरा जो है इसका कॉइल का, ये एक सिरा जो है ये हमारा, आप देख पा रहे हो, ये तो आईसी से आ रहा है, तो आईसी निकालने के बाद यहाँ एक साइड की शॉर्टिंग चली गई है, यानी हमारी आईसी बिल्कुल ओके है। दूसरी साइड में जो हमारा कॉइल का जो प्रोप है वो पूरा वीपीएच बना रहा है, तो ये शॉर्ट है अभी, यानी वीपीएच हमारा शॉर्ट है। तो हम एक बार आपको लैपटॉप में मैं लेके चलता हूँ, इसका हम डायग्राम देखते हैं, अगर बोर्नियो स्केमेटिक टूल में अगर इसका डायग्राम हुआ तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। अगर बोर्नियो में इसका डायग्राम हुआ, बिट मैप हुआ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वीपीएच की जो लाइन है ये कहाँ कहाँ है, तो हमें ज़रूरी सील्ड हैं वही निकालनी पड़ेंगी फिर, नहीं तो बोर्ड की हर सील्ड को निकालना पड़ेगा। अभी अगर वीपीएच की शॉर्टिंग को निकालना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीपीएच की शॉर्टिंग को निकालने के लिए जितनी जगह वीपीएच जाता है उन सब जगह का हमें पता होना चाहिए। जितनी जगह हमारा वीपीएच जाता है उस हर जगह का पता होना चाहिए हमें, अगर उस हर जगह का पता होगा तो हम उस हर जगह को ध्यान में रख पाएंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा अभी शॉर्टिंग हम निकालने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में चार्जिंग आईसी हमने क्यों निकाली है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये बोर्नियो भी आजकल हर बार जैसे ही आप ओपन करोगे तो तुरंत अपडेट हो जाएगा, बार बार आपको नया सेटअप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये बोर्नियो ने काफ़ी अच्छा अपडेट दिया है। लेकिन अगर दिन में 2-3 बार खोलना पड़ जाए तो परेशान भी हो जाता है आदमी। ये चलिए बिट मैप देखते हैं, शोमी शोमी में नीचे चलते हैं, Redmi Note 10S, ये Redmi Note 10S का बिट मैप खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों बिट मैप खुल गया है। अभी हम ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है ये हमने निकाल ली है, ये जो लाइन है ये देखिए हमारी, ये चार्जिंग आईसी के अंदर से जाता है, ये देखिए बोर्नियो का नया अपडेट है, ये हाईलाइट होती है ये लाइन, ये लाइन इस कैपेसिटर से होके और कैपेसिटर से सीधा ही चार्जिंग आईसी के अंदर से जा रही है, तो यहाँ से हमारी वीपीएच बन रहा है। तो ये वीपीएच की काफ़ी लाइन्स हैं यहाँ पे, ये देखिए 2 कैप यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, और अगर आप देखोगे तो ये कॉइल भी यहाँ पे भी वीपीएच जा रहा है, और बोर्ड में दूसरी जगह देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा कैमरा कनेक्टर के बाजू में, वाईफाई सेक्शन के बाजू में यहाँ पे भी कुछ कैप लगे हुए हैं वीपीएच के। उसके बाद हम अगर देखें तो बोर्ड के दूसरी साइड ये हमारी पावर आईसी है, इसके बगल में भी काफ़ी सारे
कैप वगैरह लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो मेन पावर आईसी लगी है वहाँ की हम शील्ड है उसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों शील्ड मैं कभी भी बोर्ड को गर्म करके नहीं निकालता हूँ, कटर से मैं धीरे धीरे इसको उठाऊँगा। शील्ड को जितना प्यार से आप निकालोगे, मोबाइल में कोई नया फॉल्ट आने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो यहाँ एक कोना उठाने के बाद फिर इसको धीरे धीरे से ऐसे उठा लेना है। शील्ड उठाते वक्त ध्यान भी रखना है कि कहीं कोई जो किनारों पे जो कंपोनेंट होते हैं, कहीं वो कोई कंपोनेंट ना निकल जाए शील्ड के साथ, नहीं तो कोई ना कोई और नया प्रॉब्लम है वो निकल के आ जाएगा फोन में। तो शील्ड को हमने निकाल लिया है, यहाँ पे पावर आईसी लगी है MT6359VKP। ये VPH के कैप हैं, यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग मिलेगी। ये देखिए मीटर में यहाँ पे फुल शॉर्ट है, जो VPH के जितने भी हमारे कैप हैं तो यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रोजिन लगा के देखते हैं। रोजिन से पहले भी मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेता हूँ, जो हमारा ये VPH की लाइन है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 एम्पियर और 4 वोल्ट, यानी जो बैटरी का हमारा वोल्टेज रहता है मैक्सिमम, तो उतना वोल्ट हम VPH की लाइन पे दे सकते हैं, क्योंकि VPH बैटरी की ही लाइन होती है। बैटरी कनेक्ट करते ही सीधा VPH बन जाता है हमारे फ़ोन में, तो बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ब्लेड को अटैच कर लेता हूँ मैं, सर्जिकल ब्लेड को, ताकि हमें टच करने में आसानी रहेगी। फिर जो पॉजिटिव वाला सिरा है उसमें मैंने ब्लेड को टच किया है, और नेगेटिव वाला है वो कहीं पे भी ग्राउंड पे हम अटैच कर देते हैं। अभी हम पॉजिटिव वाला सिरा है उसको हम टच करते हैं, और ये देखिए पूरा 5 एम्पियर जो है ये कंज्यूम कर रहा है। और इसकी पावर आईसी गर्म तो नहीं हो रही है सर, जी पावर आईसी इसकी हीट हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो हो सकता है इसकी पावर आईसी खराब हो, या हो सकता है कि ना भी हो। जो लाइन पावर से जा रही हो और जो लाइन पावर में आ रही हो, उनकी वजह से भी यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। ये देखो इस कैपेसिटर ने अपना रंग बदल लिया है, आपको अच्छे से अगर दिख रहा हो। मैंने कोई यहाँ पे रोजिन वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया। तो एक बार क्या करते हैं, पावर निकालने से पहले एक बार यहाँ पे हल्की रोजिन लगा के देखते हैं। रोजिन का तो आपको पता ही होगा, हल्की रोजिन लगा के देखते हैं सिर्फ इस एरिया में। ये अचानक जैसे ही मैं अभी पावर उठाने वाला था दोस्तों, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक बार पावर उठाने वाला था लेकिन ये कैप जो है ये हीट हो रहा है एकदम। अभी तक बोर्ड में कुछ भी हीट नहीं हो रहा था, ना पावर हीट हो रही थी। तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए रोजिन उसी कैप पे लगाया मैंने और पावर पे भी। तो कई बार क्या होता है, कैप पहले हीट होता है, गर्म होता है, उसके बाद जो है वो पावर आईसी गर्म होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, तो मैं एम्पियर कम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारी चार्जिंग आईसी निकल गई है, तो मैंने 2 एम्पियर कर लिए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने में क्या है, एकदम से ही पावर हमारी डैमेज ना हो जाए। और ये VPH के किसी भी कैप पे मैं दे देता हूँ इसको, यहाँ पे ये तीसरा भी VPH का कैप है, ये तीसरे कैप पे दे देता हूँ। और ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए ये वाला कैप जो गर्म हो गए ख़त्म हो गया था, ये देखिए
ये 2 एम्पियर दिया है मैंने, 5 एम्पियर अगर देता, ये देखिए 5 एम्पियर अगर देंगे तो ये एकदम से ही बिल्कुल पिघल जाएगा और हमारी पावर भी हीट होगी। ये देखिए, ये देखिए 5 एम्पियर देते ही तो देखो पूरी लाइन ही गर्म हो जाती है। तो ये कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट है, तो हम क्या करते हैं इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं। अभी ऐसी कंडीशन में डाउट हो जाता है कि कहीं हमारी पावर ज़्यादा हीट ना हो गई हो, क्योंकि अगर पावर हमारी ज़्यादा हीट हो गई होगी तो पावर भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम वैल्यू चेक करते हैं VPH पे कि हमारी शॉर्टिंग निकली या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मीटर में हमारी VPH पे, उसी कॉयल पे लेके चलता हूँ आपको, ये VPH की कॉयल है, यहाँ से देखने में समझने में आसानी रहेगी। यहाँ से VPH बन रहा था, तो ये देखिए मीटर पे जो हमारा है वो प्रॉपर जो VPH का रीडिंग है वो आ गया है, वो बन गया है। और दूसरी साइड ये OL है, OL यानी ओपन लाइन है, तो जिस साइड में हमारी IC लगेगी उसके बाद यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बनेगा, वैल्यू बनेगी। तो शॉर्टिंग हमारी चली गई है, अब हम क्या करते हैं हमारी चार्जिंग IC है उसको वापस लगाते हैं। तो चार्जिंग IC उठाने में थोड़ी गलती हो गई, नहीं तो प्रॉपर उठ जाती तो हमें प्रॉपर बैठा सकते थे। कोई नहीं दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको प्रॉपर मोबाइल रिपेयरिंग के जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, प्रॉपर जो नॉलेज है वो मिलेगी दोस्तों। जिस नॉलेज से एक टेक्नीशियन काम करता है वो सेम यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अच्छा लगे, मेरी शुरुआत है तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया करूँगा, जो भी मुझे लगेगा कि एक अच्छा टॉपिक है, इसमें लोग ज़्यादा फंसते हैं। अब इसमें ये वाला कैप था, ये शॉर्ट निकल गया हमारा, लेकिन हमें क्या करना है इस कंडीशन में, हम ऐसा कर सकते हैं बोर्नियो में बिट मैप में देख के जहाँ जहाँ पे ये VPS की सप्लाई जाती है उस हर जगह पे रोजिन लगा दें और फिर 2 एम्पियर का हल्का झटका दे के देखें, तो उसमें क्या होगा हमारी जो शॉर्टिंग वाला जो कैप है, जिस कैप की वजह से पूरी लाइन शॉर्ट हुई है, और ये मामला क्या होता है शॉर्टिंग वाला कैसे होता है ये सारा मामला हम आपको डिटेल में एक वीडियो में समझाएंगे कि ये शॉर्टिंग ये बनती कैसे है, होती क्या है, कैसे शॉर्ट हो जाता है ये मामला, ये आपको एक वीडियो में मैं समझाऊंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मेरे जैसे ही फॉल्ट में फ़ोन आएगा मैं आप लोगों के सामने उसको रिपेयर करूँगा। कहीं पे भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि कोई फ़ोन रिपेयर हो ना हो, या उसको होना ही है 100% या वो होगा ही नहीं, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती दोस्तों। लेकिन हम जो प्रॉपर वे है मोबाइल को रिपेयर करने का वो आपके सामने रखेंगे। अब शॉर्टिंग निकालने का जो प्रॉपर वे था वो यही था, इतनी जल्दी शॉर्टिंग, जबकि हमारा बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं था। तो लोग क्या करते हैं, नए नए टेक्नीशियन होते हैं या कुछ लोग तो पुराने भी ऐसी गलतियां करते हैं कि कोई भी फ़ोन में शॉर्टिंग होती है तो बैटरी कनेक्टर पे वो एम्पियर देते हैं तो उनसे कुछ भी गर्म नहीं होता, तो वो बोलते हैं कुछ गर्म नहीं हो रहा लेकिन शॉर्टिंग है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मैं यूनिवर्सल में ही बना लेता हूँ। अब इसकी स्टेंसिल पता नहीं कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यूनिवर्सल में ही बना लेते हैं। PPD अप्लायर, तो अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों वो थोड़ी बहुत लंबी तो बनेगी। पोको X3 प्रो
किस तरीके से डेड रिपेयर होता है, सीपीयू की दिक्कत में क्या बूटिंग होती है क्या नहीं होती, सब मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है। उस वीडियो को भी आप देखें अगर इस वीडियो से मेरे चैनल पे आए हैं तो। और ये चैनल नहीं दोस्तों, ये मोबाइल रिपेयर करने वालों के लिए बहुत काम की जगह होने वाली है, इस बात का अंदाज़ा आपको मेरी हर वीडियो देख के लग जाएगा। अभी तो ये मेरे ख्याल में तीसरी ही वीडियो है, पहली वीडियो मैंने डाली थी माइक्रोस्कोप की क्लीनिंग के ऊपर। उस दिन वो माइक्रोस्कोप साफ़ कर रहा था, इसकी क्लियरिटी काफ़ी कम हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाएं तो सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाता है बहुत। वैसे मेरे को स्टार्टिंग के एक साल यही नहीं पता था कि इसकी सर्विस भी होती है, फिर किसी ने मेरे को बताया, उसके बाद मैंने सर्विसिंग की, तो मेरा जो माइक्रोस्कोप है वो नए के जैसा, इसका जो सिस्टम था वो नए जैसा हो गया बिल्कुल। तो मैंने सोचा वीडियो बनाए तो सब लोगों का फ़ायदा हो सकता है, ऐसे बहुत तो ऐसे हैं मेरी सर्कल में मेरे साथी जो नया माइक्रोस्कोप ले आए हैं क्लियरिटी ना होने की वजह से। तो ये आईसी हमारी हो गई है रिबॉल, और इसकी साइड हम देख लेते हैं, साइड इसकी ऐसे ही है ना। ये इसकी साइड है, इसको क्लीन कर लेता हूँ एक बार, रुई है यहाँ पे। स्पॉटिंग निकल गई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेट है हमारा, वो ऑन हो जाएगा। स्पॉटिंग निकलने के बाद अब इसमें क्या क्या मिथ बनते हैं वो ये है कि जब कोई पर्सन क्या सोचेगा, चार्जिंग आईसी निकालेगा, चार्जिंग आईसी निकाल के बैटरी कनेक्टर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि शॉर्टिंग चलेगी। चार्जिंग आईसी निकालने के बाद एक्चुअल में जो वीपीएच से कनेक्शन था बैटरी कनेक्टर का, वो हट गया है और शॉर्टिंग वीपीएच में है। तो अगर चार्जिंग आईसी हम लगा देंगे, हटा देंगे, तो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग नहीं होगी। फिर वो क्या करेंगे, दूसरी चार्जिंग आईसी लगाएंगे, उनको लगेगा कि चार्जिंग आईसी शॉर्ट है, दूसरी आईसी लगाएंगे तो फिर से शॉर्टिंग आ जाएगी। तो लोग क्या सोचते हैं कि चार्जिंग आईसी शॉर्ट है हमारी, ये भी शॉर्ट है, जितनी मर्जी चार्जिंग आईसी लगाओ सारी शॉर्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों ने अभी देखा है इस वीडियो में, एक्चुअल में ये है कि चार्जिंग आईसी हटाते ही क्या होता है, बैटरी कनेक्टर से वीपीएच का कनेक्शन है वो हट जाता है, लेकिन जैसे ही हम चार्जिंग आईसी दोबारा लगाते हैं तो वीपीएच के साथ कनेक्शन दोबारा बन जाता है बैटरी कनेक्टर का, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, शॉर्टिंग दोबारा आ जाती है। इतनी सी बात है, अभी इस बात को सीखने के लिए लोगों को सालों साल लग जाती है। तो हमारे चैनल पे अगर आप ऐसी वीडियो का इंतज़ार करेंगे, कोशिश करेंगे हम हफ्ते में दो वीडियो तो कम से कम डालें, और जिस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस टॉपिक का, अगर कोई भी उस सब्जेक्ट का मोबाइल रिपेयर होने के लिए आएगा तो सबसे पहले वीडियो में डालूंगा। आपको कोई भी ऐसे मोबाइल में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी चार्जिंग आईसी है वो लग चुकी है, अभी बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। एक बार वीपीएच पे दोबारा रीडिंग देखते हैं, वीपीएच पे दोबारा रीडिंग देखते हैं तो रीडिंग बिल्कुल ओके है। ये देखिए अभी बोर्ड गर्म है इसलिए जो रीडिंग है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे बोर्ड ठंडा होगा तो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। जब तक बोर्ड थोड़ा और ठंडा हो तब तक हम क्या करते हैं, बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटरी की वोल्टेज तो एकदम जीरो है, क्योंकि शॉर्टिंग थी बोर्ड में, तो हमें बैटरी को भी थोड़ा चार्ज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा,
काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो आपको ना देखनी पड़े। 20 मिनट तो आई थी जो इसकी बैटरी की 42 आई थी, एक बार चार्जिंग में लगा के देखते हैं फिर 42 आई थी तो वीडियो चल रही है। कट कर दा, चलने दो चलने दो दोस्तों, चार्जिंग में लगा के देखते हैं फिर अगर थोड़ा बहुत जान होगी बैटरी में तो उठ जाएगी। और अभी तक तो कुछ नहीं आया, 0.6 एम्पियर ले रही है चार्जिंग में, आई थिंक बैटरी डाउन होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। बैटरी को चार्ज में लगाते हैं एक बार, बैटरी बूस्ट होता है दोस्त, बैटरी बूस्ट तो होगा, पीछे रखा होगा। वीडियो चल रही है, रोक दो, गो। तो दोस्तों काफी जगह ढूंढने के बाद भी बैटरी बूस्टर तो हमें मिला नहीं, एक बार डीसी मशीन में देख लेते हैं शॉर्टिंग है या नहीं। डीसी मशीन की शॉर्टिंग तो चली गई है, पावर की प्रेस करने पे क्या होता है, ऑन होता है कैसे बन गई बार। ये देखो दोस्तों ये सेट हमारा ऑन हो गया है, कई सेट एमआई के पोको के आजकल डीसी से ऑन नहीं होते इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो सेट है ये ऑन हो गया है, ये कंप्लीट ऑन हो गया है, नहीं डीसी से पता नहीं, ये एमआईयूआई पे भी चला गया है, तो एमआईयूआई से रिस्टार्ट हो गया है, इसका मतलब बैटरी से ही ऑन होगा ये। तो यही हमारा वो बोर्ड है, तो ये जो कैपेसिटर था हमारा पावर आईसी की बाजू में ये वाला था, ये कैपेसिटर शॉर्ट था और दूसरे वाला भी उड़ गया है उसके साथ ही, तो सेट हमारा है वो ऑन हो गया है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये बात तो आपने समझ ही ली कि रिबॉलिंग स्किल आपके अंदर होना ज़रूरी है। अब देखो आईसी उठाने से डर लगता तो फिर मैं ये शॉर्टिंग कभी भी नहीं निकाल पाता। तो देखते रहिए ऐसे ही वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो में। कोई भी नए फॉल्ट, कोई भी ऐसा आपको जिसकी ज़रूरत होगी, इस फॉल्ट पे चाहिए हमें वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेटवर्क सेक्शन पे शायद मैं अगली वीडियो बनाऊँ, नेटवर्क सेक्शन के मेरे पास 2-3 सेट रखे हैं जो छेड़े हुए हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव रिपेयर करके दिखाऊँ ताकि आपको थोड़ा समझ भी आए कि किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।